107 News। इंदौर में निगम घोटाले मामले में कांग्रेस पूरी तरह से मैदान संभालते नजर आ रही है। इसी के तहत प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर ज्ञापन सौंप कर अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई। दरअसल निगम घोटाला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के तहत नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोक से और शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा रीगल पर स्थित पुलिस कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए एडिशनल डीसीपी को ज्ञापन सौंप कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई। पूरे मामले में एमजी रोड थाने पर निगम द्वारा 6 प्रकरण दर्ज कराए गए हैं, जिसमें 15 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से पुलिस ने 13 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिनमें अधिकांश ठेकेदार शामिल हैं। आज हम नगर निगम के फर्जी घोटाले को लेकर अपर आयुक्त को आरोपी बनाने के बाबत में हमने आवेदन दिया है। शिकायतें डेनेश घोटाले में जितने भी आरोपी हैं उनमें से एक अपर आयुक्त भी है, उनको भी इसमें दोषी बनाया जाए और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए ताकि जनता के सामने ये काला सच आ सके। किस तरह का घोटाले में उनका रोल है? उन्होंने फंड जारी किया है और फंड जारी करने में उनकी अहम भूमिका है। उनको इस बारे में डिटेल्स देनी चाहिए कि हमने जितना फंड जारी किया है वो किस आधार पर किया। क्या नाम है उनका, क्या पद के हैं? उनका वीरभद्र शर्मा जी है और अपर आयुक्त है। कांग्रेस से कितने करोड़ रुपए घोटाले की बात करी उनके नाम से? कांग्रेस ने घोटाला, अरे कांग्रेस कितने का बोल रही है कि इसने इतने का घोटाला किया? अनलिमिटेड है सारे, आप जितनी फाइलें निकाल रहे हो अभी जो डेनेश घोटाला, तो ये डेनेश घोटाले में जितना भी हुआ है अभी तो सामने ही नहीं आया ना कि क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि घोटाले हुए हैं। जब उनका जो फंड सामने आएगा, जो डिटेल सामने आएगी, उसी से तो पता लगा पाएंगे कि कितना फंड हुआ है। हमें तो इस चीज की आगे वाले दिनों में कार्रवाई नहीं होती तो धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पर उतरेंगे। इस तरह से पब्लिक के खरे पैसे को लोगों को खाने तो नहीं देंगे, इस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों को पनपने नहीं देंगे हम इंदौर शहर के अंदर। शहर कांग्रेस कमेटी के कुछ पदाधिकारी लोगों के द्वारा यहाँ पे रीगल पर ज्ञापन दिया गया है डीसीपी सर के नाम से, और उस पे जो लेख किया गया है उसमें ये लेख किया गया कि अपर आयुक्त वित्त है जो, और उनके द्वारा इसमें बड़ी भारी नेग्लिजेंसी की गई है, और तो वो सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं क्योंकि हमारे एमजी रोड थाना में विवेचना जारी है और एक वरिष्ठ स्तर की मॉनिटरिंग पर एसआईटी उसकी विवेचनाएं कर रही है। आप देख रहे हैं SNN 7 News। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसके डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300105005।